ये देखो गाइस, और एक देख रहा है, ये लहंगा नहीं है, ये गाउन है। तो ये ससुराल लेके जाने के लिए छ छ है ना, छ इधर छ बारह। हाय, आज मैं फिर से आ गई एक मजेदार ब्लॉगिंग के साथ। शादी की तैयारी चल रही है मेहंदी की, तो मेकअप करने के लिए जो टाइल चल रहा है वो भी शूट करके थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को कैसे चल रहा है। और रूम की भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और एक अच्छे से सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे मुकबैंग के वीडियो रेसिपी की कोई वीडियो नहीं है। थोड़ा सा फ्री हूँ इस सब काम के लिए और मार्केट में जाके बहुत सारा शॉपिंग भी कर रही हूँ, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं। इसका ब्लाउज बनाऊँ क्या मैं, अगर मैं ये पहनी तो? ये देखो गाइस, मम्मी के सारे साड़ियाँ रंजन आंटी पैक कर रही है और सब अलमारी में डाला जाएगा। सब काम कर रहे फटाफट करके, मसाले का डब्बा। सो गाइस, ये 101 पीस है बर्तन का, और भी लेने वाले हैं, ये तो जस्ट ऐसे ही है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। तो ये प्रेशर कुकर अलग से लिया है और एक प्रेशर कुकर लेना है। तो ये टोटल मतलब 101 है, आपको मतलब प्लास्टिक में है तो कम ही दिख रहा होगा। तो ये ससुराल लेके जाने के लिए छ छ है ना, छ इधर छ बारह, ये छोटा प्लेट, ये छोटा प्लेट बारह, ये छ। और ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अभी हम लोगों ने खोल के चेक किया, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब फिर से पैक करके हम अभी रख देंगे और जब लेके जाना है तब लेके चले जाएंगे। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा सेट है, हैवी है। मैंने सोचा था पहले कि अगर पतला पतला आएगा ना तो हम रिटर्न करेंगे, पर बहुत ही हैवी है एकदम, हर एक चीज। ये मसाले के डिब्बी से लेके सब कुछ, ये गमला इतना हैवी है और सब बड़े बड़े साइज के, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा छोटा है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट खरीदना है, जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ, बहुत ही सुंदर है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं दिल से रेकमेंड कर रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखो, मेरे सारे कपड़े निकले आज और सब रंजन आंटी मेरे कबर्ड में डाल रही है, और मेरा कबर्ड बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहता है। रंजन आंटी हर 6 महीने में ठीक करती है और फिर से बिगड़ जाता है। तो ये सब कपड़े अभी सही हो रहे हैं और रखा जा रहा है अंदर। सो गाइज, अभी मैं जैसे मम्मी ने बताया था कि आज मेरा मेकअप ट्रायल है, तो मैं मतलब ट्रायल ले रही हूँ, अभी मैंने फिक्स नहीं किया किसी को। तो आज आने वाली है एक, तो वो ट्रायल देने वाली है और साड़ी भी पहनाने वाली है, रफली ट्रायल देने वाली है। तो आप लोगों को चलो दिखाती हूँ। दिन बहुत भागादड़ी चला मेरा, थोड़ा थोड़ा घर का काम भी साथ साथ कर रहा है दिन में रंजना के साथ, और शाम होते ही मार्केट के लिए निकल जा रही हूँ। ऐसा ही अभी रूटीन बन गया है। वीडियो की टेंशन नहीं है, मुकबैंग के वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और बाकी ये सब का अभी फटाफट करना पड़ेगा, ज्यादा दिन बचा नहीं है मेरे हाथ में। दिन में मेहंदी ने शूट कर लिया, कैसे मेकअप का टाइल चल रहा है वो सब भी आप लोग देखो, देख के बताओ कैसा है क्या, और भी थोड़ा आइडिया भी दे सकते हो आप लोग कमेंट में। और जो बर्तन ऑनलाइन मंगाया उसमें से और भी मैं बर्तन जोड़ूंगी, तो बर्तन के दुकान में भी जा रही हूँ अभी मैं, थोड़ा और बर्तन ऐड कर देंगे उसके साथ। और पूरे कबाट भी सेट कर रही हूँ एक एक करके, मैटी का भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा, वो सब निकल रहा है, बहुत बिजी हूँ। सारे घर की साफ सफाई भी करेंगे और लहंगे की दुकान में भी जाना है। पहली बार जो एंगेजमेंट की लहंगा लिया था वो दुकान में भी सबसे पहले जाएंगे, उसमें देखेंगे, उसमें नहीं पसंद आएगा तो एक दो और स्पेशल दुकान ओनली लहंगे के लिए है,
तो उसमें भी जाके ट्राई करेंगे, देखती हूँ मैडी को कौन सा पसंद आता है। एंगेजमेंट का तो मैंने चूज किया था, अब ये मैडी करेगी क्योंकि उसमें स्लीवलेस था तो उसने मुझे बहुत डांटा था कि नहीं रखना स्लीवलेस, तो उसको स्लीव चाहिए फुल स्लीव। तो इस बार मैं मुंह बंद रखूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं, खुद चूज करेगी। हाँ, तो इस बार लहंगा चूज करने के लिए दिव्या भी है साथ में, तो मेरा टेंशन नहीं है, मैं खाली देखूंगी क्या चूज कर रही है क्या नहीं। शादी के लिए तो ऑलरेडी साड़ी ले लिया है, वो सब मैं बैठ के दिखाऊंगी आप लोगों को एक एक करके क्या शॉपिंग किया हम लोगों ने, किसके लिए क्या शॉपिंग किया, और ये लहंगा रिसेप्शन के लिए। तो चलो फिर चलते हैं मार्केट। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, हमारे न्यू कार में हम लोग जा रहे हैं, और आजकल रोज ही जा रहे हैं हम लोग, शॉपिंग 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 ही चल रहा है। वो देखो लड्डू भी बैठ गया है, चलो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं लहंगे की शॉप में, ये देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना इस लहंगे में और इसमें, इसका तो ब्लाउज बहुत पसंद आ गया पर इसका कलर, इसका कलर पसंद आ गया। हाँ घोड़े का है, घोड़े थोड़ी है। ये देखो गाइस और एक देख रहा है, ये लहंगा नहीं है ये गाउन है, ये देखो। तो ये एक फ्ली मार्केट है, तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत साल बाद आए हैं क्योंकि अभी फ्री है, वीडियो वीडियो कुछ नहीं है, तो काफी सस्ते में चीजें मिल जाती है। ये देखो फ्ली मार्केट, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे। तो गाइस हम अभी बर्तन के दुकान में हैं और मम्मी और भी बर्तन देख रही है क्या क्या लेना है, तो वही वो तो बर्तन आपने देखा ही है, तो और भी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं बर्तन का। तो मार्केट से आ गई घर पे और लहंगा चूज कर लिया मैडी ने, मैंने नहीं चूज किया, उसने खुद चूज किया, बहुत बढ़िया। वो आपको मैडी दिखाएगी और मैडी दिखाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और पूरे दिन मेरे साथ रश्मि भी था आज, क्योंकि हमने एक सरप्राइज प्लानिंग किया, आज दीपक की बर्थडे है, उसको केक कट कराएंगे रात के 12 बजे, 12 बजते ही हम लोग केक कट कराएंगे, ये सरप्राइज है, दीपक को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फिर अभी 12 बजने में बहुत टाइम बाकी है, 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा वो वेट कर रहे हैं कब 12 बजे और फिर दीपक को बुलाए और केक कट कराए। तो दीपक की बर्थडे सेलिब्रेशन देखो और दीपक को बहुत विश करना आप लोग सब बर्थडे की, और फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये देखो हम लोग शॉपिंग करके आए, ये सब रखा है यहाँ पे, दीपक का बर्थडे है आज 5 जनवरी, सब लोग दीपक को हैप्पी बर्थडे बोलना और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना दीपक को। तो अभी रात के 12 बज गए हैं और अभी हम लोग दीपक का बर्थडे करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो दीपक कट करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर से करते, नहीं मोमबत्ती वो नहीं है वो, चलो फिर से करते, मेरे पास बहुत मोमबत्ती है, चलो फिर से, चलो कटिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपक, हैप्पी बर्थडे टू यू, रश्मि को खिला, दीपक को खिला दे, दीपक को गाल में लगा दो।